छतरपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त शातिर बदमाशों पर बड़ी कार्यवाही की है। यहां दो अलग अलग घटनाओं में पुलिस ने छापा मारकर 65 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। छतरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। महाराजपुर थाना पुलिस ने कुसमा गांव में गांजा तस्कर के दो ठिकानों पर छापा मारा, जहां से 10 लाख रुपए कीमत का 65 किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के परिजन कई सालों से गांजे की तस्करी कर रहे थे। छतरपुर एसपी अगम जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। राजपुर थाना में एक कार्रवाई हुई है, जिसमें ग्राम कुसमा वहां पर हमारी टीम ने जब दबिश दी तो घर में दो घर जिसमें दबिश दी वहां से 10 लाख करीबन का गांजा जब्त किया है। इसमें जब हमारी टीम ने दबिश दी तो एक घर से लगभग 65 किलो, एक घर से लगभग 45 किलो और एक घर से लगभग 20 किलो, इस प्रकार से कुल 65 किलो गांजा वहां से जब्त किया है। और एक आरोपी रजनी दीक्षित को वहां से अरेस्ट भी किया है। इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जिसमें और आरोपी जिसमें जो मुखिया है इसका मास्टरमाइंड राजा भैया दीक्षित, उसको राम नरेश दीक्षित, उन पर उनको भी ढूंढा जा रहा है और जल्दी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये लोग कहाँ से लेके आते थे, यहाँ पे किसको बेचते थे, उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों पर पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध है। पूर्व में 2018 में भी इस प्रकार की कार्रवाई थी, जब 35 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था। शहडोल के सुहागपुर क्षेत्र में भी इन पर एक कार्रवाई हुई है और अभी हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन संभावना है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी इन पर कार्रवाई हो चुकी है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इस पूरे रैकेट को जो यहाँ पर गांजा सप्लाई कर रहा है और क्षेत्र में नशा को वृद्धि करा रहा है, उसको क्रैक किया जाए। कौन लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं और गली गली जाकर के बेचते हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए। साथ ही लोग कहाँ से लेकर के आते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी हम इसमें करेंगे कि किस प्रकार से फाइनेंसेस का ये उपयोग करते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, किसको दे के आते हैं। तो ओवरऑल अभी तक जो कार्रवाई हुई है सराहनीय है। महाराजपुर पुलिस की टीम को प्रोत्साहन रूप इनाम भी दिया जाएगा, लेकिन विवेचना में और भी परतें खुलना बाकी हैं, जिस पर पुलिस आने वाले समय में कार्रवाई करेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।